तीन वर्षों में नहीं बन पाया सार्वजनिक शौचालय। लोग बाहर शौच के लिए जाने को मजबूर। शहर में बिना विधायक के वार्ड शिवाजी वार्ड के सार्वजनिक शौचालय को छोड़कर एक भी शौचालय नहीं है, जबकि पूरे शहर में 6 सार्वजनिक शौचालय स्वीकृत किए गए थे। बाकी शौचालय ना तो नगर पालिका प्रशासन बनवा पाई है और ना ही बीना विधायक बनवा सके। दरअसल बीना के मड़िया वार्ड में चालू हालत के सार्वजनिक शौचालय को तोड़कर करीब 3 साल पहले नया सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा था, लेकिन 3 साल बाद भी यह शौचालय बनकर तैयार नहीं हो सका। दर्जनों शिकायत होने के बावजूद भी नगरपालिका प्रशासन ने ना तो ठेकेदार पर कार्रवाई की और ना ही शौचालय को पूर्ण करवाया, जिसका खामियाजा बस्ती के लोग भुगत रहे हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए बीना मध्य प्रदेश से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। शौचालय क्या 3 साल से ऐसे ही डली है, आधी बनी है। बोले कि मतलब चालू थी पहले तो, और फिर बोले कि मिटा के दूसरी बनना। और इधर के सब लोग परेशान होते, बाहर लोग जाते बोलते स्वच्छ भारत अभियान चल रहा, स्वच्छ भारत अभियान क्या चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। 3 साल से ऐसे ही सब लोग बाहर जाते और उधर भी पानी आनी भर जाता, तो उन लोगों भी परेशानी होती। 2-3 बार कितनी बार गए, 2-3 तो उसके मतलब ठेकेदार आ गए, आके यारी यारी बनी हो बोलते फिर चले। क्या नाम है आपका? दीपक सोनी। कौन से वार्ड में रहते हैं? मड़िया वार्ड। शौचालय को लेकर क्या परेशानी है? शौचालय न होने से ये परेशानी है, हमारे यहाँ की बहन बेटी खुले में शौच करने जाती हैं रात बिरात, बस ऊँच ऊँच नहीं सूझने का डर रहता है उनके साथ। यहीं पे पास में कलारी, वहीं से पी के निकलते हैं लोग। ये समस्या 3 साल से समस्या बनी है। ये पहले शौचालय बना था? चालू शौचालय टुड़वाया है नगर पालिका से। हाँ, उन्होंने कहा नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नए तरीके से बन रहा है, कोई 3 साल से काम बंद है इसका। और यहाँ पे बरसात में पानी भरने से बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। शिकायत नगर पालिका में की, हेल्पलाइन नंबर पे भी की, उन्होंने कहीं हो जाएगा काम चालू करवा देंगे, ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे। यहाँ का जयेंद्र सिंह ठाकुर, उनसे 1-2 बार बोला तो उन्होंने कहा भाई नगर पालिका से बात हो जाएगी, अपन करवा देंगे चालू। हाँ, वोट लेने आते हैं, क्यों नहीं आते? आए क्यों नहीं आए? 1-2 बार आए, उन्होंने कहीं नगर पालिका में बात है कि डला है पैंडल, ये वो है काम। कोई आश्वासन नहीं मिला कि हाँ, पूरा आश्वासन नहीं दिया यहाँ की पब्लिक को, जनता को। देखिए, शासन से 6 सार्वजनिक शौचालय स्वीकृत थे, उसमें से 1 कंप्लीट हो गया है, 1 अनकंप्लीट है। उसके ठेकेदार को हम बुला करके शीघ्र ही उसका कार्य प्रारंभ कराएंगे और कंप्लीट कराएंगे, लोगों को सुविधा देंगे। लंबे समय से अधूरा पड़ा है वो, तो ऐसे ठेकेदार पे कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यदि नहीं काम करेगा तो हम कार्रवाई भी करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, दंड देने की होगी या उसकी हिरासत करने की होगी, तो वो भी करेंगे।